फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ उड़द दाल एप्पम की रेसिपी। इस एप्पम को घर पे बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू राधास किचन। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर उड़द दाल को 2 से 3 बार पानी में धोकर भिगो कर रखी थी। ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और फूल भी गया है। इस वाली कटोरी में मैं 1 कटोरी उड़द दाल को 5 से 6 घंटे के लिए भिगा कर रखी थी। आप चाहे तो इसको ओवरनाइट भी भिगा कर रख सकते हैं। अब इस दाल का पानी को हम हटा देंगे और इसको अभी ग्राइंडर जार में डाल देंगे। इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्च टुकड़ा करके, थोड़ा सा हरा धनिया का पत्ता डाल देंगे, 3 से 4 चम्मच पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है। गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट तैयार करेंगे। देखिए, यहाँ पर फाइन पेस्ट रेडी है। अभी इसको हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। थोड़ा सा भी दरदरा नहीं रखना है, फाइन पेस्ट बनाना है। अभी इसमें डाल देंगे 1/2 कप सूजी। मैं यहाँ पर बारीक वाली सूजी यूज की हूँ। अच्छे से मिला लेंगे। जितना हमने उड़द की दाल लिए थे ना, उसका 1/2 हम सूजी लेंगे। देखिए, इस तरह का हमारा बैटर तैयार हुआ है। अब इस बैटर को हम 1/2 घंटे के लिए छोड़ देंगे रेस्ट पे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो इसको 10 मिनट के लिए भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर 1/2 घंटा हो चुका है। अभी इसका ढक्कन हटाएंगे और इसमें डाल देंगे 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज, 2 चम्मच बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा सा डाल देंगे, 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, 1/2 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। 1 चम्मच नमक मैं यहाँ पर डाली हूँ। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिए, बैटर को ज़्यादा पतला नहीं करना है। इस तरह का गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट होना चाहिए। देखिए, अभी इसमें थोड़ा सा हम सोडा डाल देंगे, खाने वाला सोडा। 1/4 चम्मच हम खाने वाला सोडा डालेंगे और इसमें 1 चम्मच पानी डाल देंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अच्छे से मिक्स करेंगे। सोडा डालने के बाद बैटर थोड़ा सा फूल जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। देखिए, कुछ इस तरह का बैटर हमारा तैयार हुआ है। ज़्यादा पतला या फिर ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अभी चलते हैं गैस की तरफ। गैस के ऊपर एक एप्पम वाला तावा को चढ़ाएंगे। तावा गर्म होने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें 1-1 चम्मच भरकर हम बैटर डालेंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम में रखेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम में इसको कुक करेंगे। इस तरह का एप्पम मेकर मार्केट में इजीली मिल जाता है। अगर आपके मार्केट में नहीं मिलता है ना, तो इसको ऑनलाइन परचेस भी कर सकते हैं। ज़्यादा भरकर इसमें बैटर नहीं डालेंगे, ये बाद में हल्का सा फूल जाता है। अभी इसको ढक्कन लगाकर 2 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 मिनट हो चुका है। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल हम डाल देंगे। ज़्यादा भरकर ऑयल नहीं डालना है, कम ऑयल में हम बना रहे हैं। हल्का हल्का ऑयल स्प्रिंकल कर लेंगे, फिर हम इसको पलट देंगे। चम्मच के सहायता से पलट देंगे आराम आराम से। गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है एक तरफ का, अभी दूसरे तरफ का भी गोल्डन ब्राउन कलर आते तक कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट लगता है इसको कुक होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा कलर आया है एक साइड का। अभी इसको ढक्कन लगाकर 1 मिनट और पका लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है और हमारा एप्पम जो है रेडी हो गया है। ये देखिए, बहुत अच्छा कलर आया है और थोड़ा थोड़ा ये फूल भी गया है, सॉफ्ट बना है। ऐसे ही आप इजीली घर पर एप्पम बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये लीजिए, उड़द दाल का गर्मा गर्म टेस्टी एप्पम बन के रेडी है। ये दिखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है। बहुत ही कम समय में इजीली घर पर हमने बनाया है। इसका अंदर का हिस्सा आप देख सकते हैं, कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है।
इस तरह का अप्पम आप घर पर बनाकर खाइए और कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। इस अप्पम को आप कोई भी चटनी के साथ, टमाटर केचप के साथ या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। ऐसे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस तरह का न्यू रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।